गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को मैं लगातार कहता रहा हूँ कि आप सभी के लिए मैं डेली साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा और आप सभी हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आज देखते हैं 25 प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा, सोनार SONAR, ये सोनार जो है बच्चों, ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसके लिए लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। राइट बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है बच्चों, अभ्यास करिए फटाफट मेरे साथ 20 प्रश्न का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र का नाम क्या है? सोनार। राइट, सोनार ये जो होता है SONAR, सोनार, साउंड SO, साउंड हो गया, नेविगेशन एंड रैगिंग, नहीं यही होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखने की कोशिश भी करिएगा बच्चों, है ना, कभी कभी ये भी पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, भाई क्या उपयोग करते हैं, किस तरीके से ये यूज करते हैं? तो ये परास्रवी, दैट इज अल्ट्रासोनिक, है ना, तरंग, परास्रवी तरंग का यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ओ शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, यही है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है आपका ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से जो मापते हैं हम लोग, एनीमोमीटर से वो पवन का वेग यानी हवा की गति मापते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? इसे पढ़िए और आप खुद टिक करने की कोशिश करिए। एनीमोमीटर वायु की चाल, बिल्कुल सही है, ये सब सही है। अमीटर विद्युत धारा, बिल्कुल। टेकियोमीटर दबांतर, ये गलत है। और पैरोमीटर उच्च ताप, ये सही है ना। इसमें कौन सा गलत है बच्चों? टेकियोमीटर दबांतर, याद रखिए। बाद में ये तीनों जो सही है इसका तो निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है बच्चों को किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है, यस। अगला ये बनाइए इसको। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वोल्टमीटर विमांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यानी इसमें जो गलत है वो डी है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट है आपका, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने के लिए यूज किया जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट ये है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त तो हो, वह क्या होता है? तो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? दो ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, इसी दो में आंसर है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों का दाब, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मिलान चिन्ह है, इसको मिलाइए। एमीटर, आप पढ़े अभी, एमीटर से क्या धारा, है ना, विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता बच्चों। स्प्रिंग तुला से भार, और बैरोमीटर दाब। तो आप मिला लीजिए कौन सा आंसर दिख रहा है बच्चों, यानी बी फॉर बिहार, है ना, एक अति एक में ही दिख रहा है, वहीं से आंसर पकड़ा रहा है। राइट, अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये तो सही है। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं बल्कि विद्युत धारा होता है, इसलिए गलत डी है। राइट, अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडली दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वायुमंडली दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? बैरोमीटर का। राइट, अगला आ जाइए, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का वह आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो ज्ञात करते हैं बच्चों, वो लैक्टोमीटर से, किससे? लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। राइट,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता दैट इज हाइग्रोमीटर, किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। ये कहता है रिंगेलमैन स्केल, कौन सा? रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो ये धुआं का घनत्व मापने में रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसे याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट। ये इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम दैट इज ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम जो है बच्चों वो मस्तिष्क की निगरानी यानी मस्तिष्क की जांच के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है, राइट। अगला है आपका रक्त दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर यूज करते हैं। कौन सा? लक्स मीटर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। रडार उपयोग में आता है। तो रडार का जो उपयोग करते हैं बच्चों वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं, है ना। रडार ऊपर में यूज किया जाता है और सोनार पानी के नीचे, हाँ। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं हम लोग रिएक्टर पैमाने पर। किस पैमाने पर? रिएक्टर पैमाने पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला क्या कह रहा है। कौन सा सुमिलित नहीं है? सेल्सियस ताप सही तो है, किलोवाट आवर ये भी सही है, आरएच गुणक रक्त ये भी सही है, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना तो भूकंप होता है ना, वहां आर्द्रता दिया हुआ जो कि गलत है, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र जो है वो है सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूचाल रिकॉर्ड करता है। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न जिसको आप सभी के बीच मैंने रखने की कोशिश किया। आप तमाम बच्चे जरूरी से देखिएगा, पढ़िएगा और याद भी रखने की कोशिश करिएगा। और बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और यदि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।